अहम खबर आपको दे रहे हैं। सिकुम में चीन और भारत के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारतीय मोर्चों पर रॉकेट फायर कर दिए। हमले में 158 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सिकुम के मकाम पर चीन और भारत के दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं। चीन ने भारतीय मोर्चों पर रॉकेट फायर कर दिए हैं। इस हमले में 158 भारतीय फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इससे पहले भी ऐसी पे देखने में आई दोनों ममालिक की सरहदों के दरमियान और शुरुआत भारत की जानिब से की गई थी जिस पर चीन की जानिब से इजहार तशवीश किया गया था। और अब खबर यह सामने आई है कि चीन ने भारतीय मोर्चों पर रॉकेट फायर किए हैं और इस हमले में 158 भारतीय फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। इमरान बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी ये बिल्कुल गुज़श्ता चर्चे से जो है वो चीन और भारत के दरमियान सिकम के इस इलाके पे मामला चल रहा था। भारत ने हाल ही में एक अपना माउंटेन डैम जो है वो वहां पर रेंज किया था जिसको वहां तैनात किया गया था। बार बार चीन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस इलाके को भारतीय फोर्सेज जो है वो खाली कर दें। भारतीय फोर्सेज की जानिब से जब खाली नहीं किया गया तो उसके बाद जो है जो मुसल्ला अफवाज है उन्होंने हमला किया। जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक 158 जो है भारतीय जो फोर्सेज के लोग हैं वो इसमें हलाक हुए।